ब्राह्मण बनिया अक्षत्री शूद्र ये चारों कुल ऊंचा। देखो वाणी में कितना अंतर है पुण्यात्मा। ब्राह्मण बनिया अक्षत्री शूद्र, वैश्य कहो चाहे बनिया कहो, ये चारों कुल ऊंचा। अभी नकलिया नदियों का रखा शूद्र वर्ण तो जो है ना ये नीचा कुल है शूद्र नहीं। अपने अपने कर्म को जो निष्ठा से कर रहा है, सभी का कार्य करने योग्य है, कर्तव्य कर्म है, और कोई ऊंचा नीचा नहीं। जिसका जो कर्म है वो सही कर रहा है अपने निभाकर, कति ये चारों कुल ऊंचा। और न्युग्रे द्वार न जावे योगी जोजत जोसत सोजत इंद्री सूचा। कि अगर ठीक सत साधना करने वाला हो और परमात्मा का नाम ले रखा हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता हो, इन चारों कुलों में किसी भी कुल में किसी भी वर्ण में उत्पन्न हो और ये साधना कर रहा हो, और ये साधना ना कर रहा हो, उस निगुरे के घर नहीं जावे। इन चारों वर्णों में जो सच साधना करता है तो उसके आहार आप कर सकते हो, ऐसा लिखा। अपनात्मा ये चिंतित ना होना कि तुम भाई हमने तो रिश्तेदारी में जाना पड़ता है और वहां भी फिर रोटी तो खानी ही पड़ती है, मारे भी बाहर लगेगा, वो भी नुग्रे हैं। तो उसका एक बता रखा है एंटीबायोटिक आपको, कि कहते हैं आप वहां जाते हो खाना खाने नहीं जाते उनके वहां पर, और आपके पास एक ऐसे मंत्र हैं उस नाम के जाप से, ये तो जो भक्ति नहीं करते ना उन पर असर है, और किसी कारण से आप जी ने कहीं आहार करना पड़ जाता है तो परमात्मा का नाम जाप करते रहिए, और अन्नदेव की आरती है छोटी सी उसको आप कीजिए, आपको हानि होगी नहीं आपको, और जिसका अपना आहार किया उसको पुण्य हो जाएगा, इस तरह मालिक ने बताया। ये तो उनके लिए बताया जो मांगते फिरते हैं और फिर भक्ति की भी रीस करते हैं, पहले तो साधना शास्त्र विरुद्ध और फिर किसी का भोजन लेकर खा लेते हैं, उनके पास वो भक्ति सत्य है नहीं जो उस पाप के भोजन को हजम कर सके, यानी उसे डिस्टर्ब ना हो। तो आप जी को मंत्र दे रखे हैं, आपका मन वहां रोटी खाने का नहीं था, किसी विशेष उद्देश्य से गए हो, गए को आहार किया दिया है तो आपको हानि नहीं होगी। ये उनको कहा जाता है जो परमात्मा की आड़ में उनको लताड़ा जा रहा है, जो भगत और संत बनकर और फिर मांगते अंडे। क्या बताते हैं, राजा राज रसातल जाई कौन क्षति सो डांडे, सभे अपावन कहिए भाई योगी किस दर हांडे। अब ये संत है ना नकली, ये राजाओं के गणे जाया करते क्योंकि वहां अच्छी जो है ना उनको पैसे मिलते थे, तो वहां से वो भिक्षा अच्छी मिलती थी, उसके लिए वो दक्षिणा अच्छी मिलती थी। तो यहां बताते हैं राजा राज रसातल जाई, राजा नरक में जावेगा क्योंकि कौम क्षति सो डांडे, अब सभी अपावन कहिए भाई योगी किस तरह हांडे। राजा जैसे राजा लोग टैक्स लगाते हैं आपके ऊपर, तो उस टैक्स के माध्यम से अच्छे बुरे गरीब अमीर सबका पैसा राजा के पास जाता है, और उसी से वो अपना निर्वाह करता है, अपनी सेना रखता है, अपने ऐश्वर्य के साधन करता है, उसमें से फिर कहते संत जाके खावे तो वो भी साथ नरक में जावे। एक हलाई सेंस कसाई पलड़ा बेस बजावे, और कोठे माही नाज घाल के कोरा काल मनावे। एक अलाई, अलाई होती है जैसे किसान हल जोतता है ना, और एक एकड़ मान ले जमीन है 200 फुट लंबा और 220 फुट लंबा और 198 फुट चौड़ा, ऐसा एक एकड़ होता है। तो उसमें हल से संवारते समय वो लगभग 20 फुट चौड़ा और 200 यानी पूरे एकड़ की एक साइड की लंबाई ले लेता, तो उस 20x220 मान लो एक हलाई में जो वो हल्स के द्वारा
जमीन खोदता है तो उसमें उसको 1000 कसाईयों जितना पाप बन जाता है। बताओ। और फिर कहां जाता है वो, क्या करता है उस पैसे, जैसे घन अन्न हो गया किसान का, फिर वो बेच का होगा बनिया के, बनिए का बेचता है, तो बनिया के सोचा है उस अनाज को अपने कोठे में अपने सटोर में रख लेता है। और फिर ने सोचा ये भगवान इनका काल पड़ जा और तेरा गेहूं महंगा बिक गया, वो पाप का भागी, कितनी दुष्ट सोच हो जाती है उस बिजनेसमैन की। तो कहते हैं 250 कसाई, मान लीजिए तो किसान के घर भोजन खाना चाहता है तो उसके ऊपर इतना भार बन जाता है। अपने आत्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, डगमग नहीं होना, घबराना नहीं। अब जैसे आप जाते हो किसी के घर, खाना भी खाना पड़ता है, किसान के घर भी जन्म है रोगों का, और भी बनिया के घर भी जन्म है। तो जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं और ये मैला हो जाता है, स्वाभाविक है, तो इसको धोने के लिए साबुन और जल का प्रयोग किया जाता है, ये स्वच्छ हो जाता है। ऐसे आपको एक मंत्र दे रखा सतनाम, इस सतनाम के जाप से आपके ऊपर ये भार नहीं बनेगा। अब जैसे आप किसी रिश्तेदार के यहां चले गए, आपने आहार तो करना ही पड़ेगा, अपने मंत्र जाप करना, आरती करें, और अब आपको तो लाभ बाहर बनेगा नहीं, क्योंकि आपके पास तो वो साबुन और जल है, मैल कट जाएगा। और आपको आहार कराने में जिसके घर आपने भोजन पाया उसको पुण्य मिलेगा, क्योंकि साध संत भगत के खिलाने का, भोजन कराने का बहुत पुण्य होता है। अपना आत्मा तुम गड़बड़ ना कर दियो, कदी भगतान बुला के जमान लाग जाओ, कदी मेरे वाले इस काम में फिर फेल कर दो तुम, नहीं, अपनी भक्ति करो, सब ने राम नाम पर ला दो, और वो भी भक्ति भी। तो फिर वो दूसरा तरीका, पहले क्या था, या परमात्मा आते हैं एक सुचारू, स्वयं आते हैं या मेरे जैसे दास को भेज देते हैं, ज्ञान वही होता है, परमात्मा विधान वही होता है, अप्लीकेबल वो खुद भी करते हैं, अपने नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव से भी उसको वो सुचारू करवा देते हैं, लागू करवाते हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे शादी ब्याह होया करती, विवाह होता था तो पूरे गांव में से प्रत्येक, पहले तो चूल्हा न्योत होया करता, छोटे घर थे, गांव थे, पूरे के पूरे घर को आमंत्रित करते थे कि आज आपने हमारे घर भोजन खाना है। जिस दिन विवाह होता था बेटे या बेटी का, तो क्या कारण था कि वो सभी भक्ति करते थे, साधना किया करते थे, और वो इसी प्रकार उन्होंने अपने समागम शुरू किए थे, भाई एक आध्यात्मिक अनुष्ठान भी करते थे, जोत तो अभी भी लगाते, भंडार जब करते हैं ना, ये विवाह शादी में जब जलेबी लड्डू बनाते हैं, कहीं रखते हैं, तो जोत अब भी जलाते हैं उसमें, तो अब तो वह लकीर पीट रहे हैं, और आज तुम्हारे खाका ये, मैं तुमने बोला तुमने, मैं तुम्हारे खाका आया था, इसलिए वो एक परंपरा बन नहीं। पहले ये उद्देश्य था कि सभी भक्ति करते थे और भक्तों को अपने घर पर बुला के आहार कराया करते थे, तो ऐसे फिर वो कभी उनके होता था वो भी यही लालच करते थे कि सारे भक्त आवे, भगवान की यहां चर्चा चलावे, अन्न खावे, संत को खिलाने का लाभ मिले। तो ये परंपरा चलती चलती फिर इतनी बिगड़ गई, फिर नौते शुरू हो गए, तुम वो न मारे, नौता दिया था मैं भी उनके देख आऊं, अन्यथा नहीं। तो ये प्रोग्राम तो पहले बिगड़ का बिगड़ा हुआ रूप हो गया। तो ऐसे आप अपनी भक्ति करते रहिए, आपको हानि नहीं होगा। जैसे ये दास आपको मना करता है कि जो कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, आन उपासना करने वाले, वहां आपको नहीं जाना चाहिए, उस दिन आहार नहीं करना चाहिए वहां पर, क्योंकि उस दिन वहां जाने में आपका सहयोग होगा उस शास्त्र विरुद्ध साधना में। गीता के अध्याय नंबर
16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, वो उनको न तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस। तो जैसे शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले को परमात्मा के द्रोही कहा है, यानी विधान तोड़ रहा है, जैसे कोई चोरी करता है या कोई और अवैध कार्य करता है उसमें आप भी सहयोग देते हैं तो दोनों दोषी होते हो इस प्रकार। और वैसे आप कहीं जाते हो खाना खाना उद्देश्य है, लेकिन जो मांस मिट्टी शराब वगैरह प्रयोग करते हो उनका तो आहार भी नहीं करना चाहिए। जिस दिन कोई जैसे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं ये ड्रामाबाजी को 13वीं को 17वीं को कि तो और लड़का हो गया तो और पंगा, तो उनमें नहीं जाना चाहिए आप जी को, बिल्कुल भूल के भी नहीं।